दोस्तों महाभारत तो हम सब ने पढ़ी और सुनी है, जिसमें द्रौपदी को तो हम सब जानते ही है। लेकिन महाभारत से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी और वह कर्ण से विवाह भी करना चाहती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो कर्ण से विवाह नहीं कर पाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों कर्ण कुंती का नाजायज पुत्र था, जिसका जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे सारथी द्वारा पाला। यदि परिस्थितियों ने उन्हें सारथी का पुत्र बनने के लिए विवश नहीं किया था, तो क्या वह द्रौपदी के लिए उपयुक्त वर थे? हाँ, कर्ण में अन्य सभी पांडवों से बहुत विशिष्ट गुण थे। कर्ण एकमात्र पांडव थे जो अपनी सुरक्षा के लिए सोने की बाली और आकाशीय प्रेम के साथ पैदा हुए थे। इस सुरक्षा के कारण उसे कोई मार नहीं सकता था। द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था और इसलिए उन्हें यज्ञ सेनी कहा जाता था। उनका जन्म भरत वंश का भाग्य बदलने के लिए हुआ था। कहानी के अनुसार पांचाल के राजा ध्रुपद अर्जुन से प्रभावित हुए जब अर्जुन आए और उन्हें हरा दिया, ताकि वह राजा ध्रुपद के राज्य का आधा हिस्सा देकर अपने शिक्षक की गुरु दक्षिणा को पूरा कर सके। द्रौपदी को हमेशा से पता था कि वह अर्जुन से शादी करेगी। हालांकि लाख के घर में पांडव और माता कुंती की मृत्यु हो गई। द्रौपदी के लिए यह खबर दिल तोड़ने वाली थी, क्योंकि उसे अर्जुन से प्यार हो गया था। द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण भाग लेने आया था, द्रौपदी ने उम्मीद की थी कि कर्ण प्रतियोगिता जीतेगा, क्योंकि वह उसे अर्जुन समझती थी। उन्होंने कलाकारों के आधार पर कर्ण की भागीदारी के लिए कभी विरोध नहीं किया। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने कहा कि नियमों के अनुसार केवल क्षत्रिय या ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ व्यक्ति ही राजकुमारी से विवाह कर सकता है। द्रौपदी को कर्ण से सहानुभूति थी, क्योंकि वह अपनी जाति के आधार पर अयोग्य था। दुर्योधन के अनुरोध पर कर्ण ने स्वयंवर में भाग लिया। दुर्योधन स्वयंवर में भाग लेने के लिए कर्ण का उपयोग करना चाहता था और उसके लिए द्रौपदी को जीतना चाहता था। कर्ण ने स्वयंवर में जाने की कभी इच्छा नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि वह भाग लेने के लिए सही व्यक्ति नहीं था। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुआ खेला, तो कर्ण ने उसे वेश्या कहकर उसका अपमान किया। वैदिक परंपराओं के अनुसार विवाह के दौरान एक वधू चंद्र को, विश्ववसु नाम के गंधर्व को, फिर अग्नि को और अंत में मानव पति को दी जाती है। यदि वह पांचवें पुरुष के साथ होती तो उसे वेश्या समझा जाता था। कर्ण द्वारा द्रौपदी को वेश्या कहने का एक कारण यह भी है। द्रौपदी को वेश्या कहने के लिए कर्ण को दोषी महसूस हुआ। कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए एक नरम कोना था, लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर में नीची जाति के रूप में कहे जाने के लिए उन्हें एक शिकायत थी। एक अन्य पौराणिक कथा में यह भी बताया गया है कि द्रौपदी ने स्वीकार किया कि वह कर्ण को अपने पति से अधिक प्यार करती थी और जाति के कारण उससे शादी न करने का पछतावा करती थी। उसने कहा कि अगर उसने कर्ण से शादी की होती तो वह खुश होती और दुशासन द्वारा नहीं छीनी जाती। जब द्रौपदी को कर्ण के कुंती के पुत्र होने की सच्चाई का पता चला, तो वह कर्ण से मिली और उनसे पांडवों के पक्ष में शामिल होने का अनुरोध किया, और कर्ण ने द्रौपदी को बड़े बहनोई के रूप में आशीर्वाद दिया और उससे माफी मांगी। द्रौपदी ने अपने भाई द्वारा स्वयंवर में की गई गलती के लिए माफी मांगी और कर्ण ने उसे वेश्या कहने के लिए माफी मांगी। कर्ण और द्रौपदी महाभारत के सबसे दुखद चरित्र हैं।
क्योंकि कर्ण ने हमेशा अपनी योग्यता के अनुसार वह पाने के लिए संघर्ष किया जिसका वह हकदार था। द्रौपदी ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए युद्ध किया। वह अर्जुन से सबसे अधिक प्यार करती थी, लेकिन उसे सभी भाइयों से विवाह करना पड़ा। वह अर्जुन के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जब अर्जुन के साथ रहने का समय आया तो वह 12 साल के लिए वनवास पर चला गया।